2 जुलाई को शपथ ले रहे कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए प्रेसिडेंट श्री डी के शिवकुमार और वर्किंग प्रेसिडेंट्स श्री सतीश जारकीहोली, श्री ईश्वर खंडरे और जनाब सलीम अहमद को केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट वाइस चेयरमैन शाह नवाज मुल्ला और खुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। पतंजलि के सीईओ ने सफाई देते हुए कहा, हमने कभी कोरोनिल को कोरोना वायरस का इलाज नहीं बताया। पतंजलि के सीईओ आचार्य बख्शी ने कहा कि कंपनी ने कभी नहीं कहा कि कोरोनिल का इस्तेमाल कोरोना के इलाज करने या उसे कंट्रोल करने में हो सकता है। बख्शी के अनुसार उन्होंने केवल दवाई बनाई और क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोरोना रोगियों पर इस्तेमाल किया और इसने काम किया। उन्होंने कोरोनिल किट नामक कोई किट नहीं बेची। बॉलीवुड स्टार आमिर खान के घर में काम करने वाले कर्मचारियों में कोरोना वायरस पाया गया है। इस मौके पर आमिर खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि उनके कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने अपनी भी जांच करवाई है, वो नेगेटिव पाए गए हैं, सिर्फ उनकी मां की जांच करवाना बाकी है। चीन में मिले नए स्वाइन फ्लू वायरस पर WHO की चेतावनी। जहां पूरी दुनिया कोरोना जैसे महामारी से जूझ रही है, ऐसे में चीन में एक और स्वाइन फ्लू नाम के वायरस ने दस्तक दी। इस हालात पर WHO के प्रवक्ता ने कहा कि चीन में मिले इस नए वायरस पर सावधानी के साथ जांच की जाएगी, हमें और सतर्क रहना है, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कोरोना के दौरान भी इस पर नजर बनाए रखेंगे। गदग से ट्रांसफर होकर आए बेलगाम के नए DCM जी हिरेमठ, जिन्होंने बेलगाम में कल से अपना पद संभाला है। टिप्पू सुल्तान संघर्ष समिति की जानिब से इनका स्वागत किया गया और मुबारकबाद पेश की गई। वैभव नगर के 28 वर्षीय युवक रमेश अल्लप्पा गौडर ने की खुदकुशी। लॉकडाउन के दौरान इस युवक ने लिया था कर्जा, जिसको लौटाना पाने की वजह से की खुदकुशी। मामला APMC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। बेलगावी जिला कन्नड़ संगठनों की क्रिया कमेटी, हसी दवा रखता नम्मत चित्ता यानी भूखों की तरफ हमारा ध्यान अभियान के 100 दिन पूरे होने पर एक तकरीब मुनक्कित की गई। इस मौके पर जैनमूल फाउंडेशन और कई ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से लॉकडाउन में अंजाम दिए गए खिदमत पर गौर करते हुए जैनमूल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब शाहनवाज मुल्ला को सम्मानित किया गया। बेलगाम इंतजामिया ने क्वारंटाइन के कानून तोड़ने वाले 573 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इंतजामिया ने इनकी पहचान करते हुए इन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का फैसला लिया है।